जाता है, अहंकार का सर्वनाश किया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई जाती है। लेकिन जब गरीब की थाली से सब्जी गायब हो जाए, रसोई से मसाले गायब हो जाएं, दो दो रोटी के लिए तरसना पड़ जाए, तो फिर महंगाई के रावण का वध करना जरूरी हो जाता है। दरिंदों पर भले ही हिंदुस्तान में आज एक्शन होता हो, लेकिन महंगाई डायन बनती जा रही है। इस डायन ने खुशियों को छीन लिया है, त्योहारों की रौनक को फीका कर दिया है, गरीबों के चेहरे की मुस्कान को छीन लिया है। इसीलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मैं विवेक पांडे कह रहा हूं, महंगाई के रावण का तांडव कब होगा। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, टमाटर महंगाई से लाल हो गया है, आलू का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, बैंगन के भी भाव बढ़ गए हैं, तोरई तो मानो अलग ही रंग में दिख रही है, प्याज महंगाई के आंसू रुला रहा है, लेकिन जिम्मेदार मौन है, जनता पस्त है। त्योहारों के सीजन पर सब्जियों की महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में खास तौर पर गृहिणियों को किचन का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। लोग जहां एक एक किलो सब्जियां खरीदते थे, वहीं इसकी क्वांटिटी अब आधे से भी कम हो गई है। चलिए अब आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अमेठी की है, जहां पर महंगाई से हाहाकार मचा है। गरीब की थाली से सब्जियां गायब हो चुकी हैं, जिससे कि त्योहार पर जो खुशी होती है वो नजर नहीं आ रही है। बाजारों में पहले की तुलना में भीड़ कम है, जनता परेशान है। दूसरी तस्वीर है आजमगढ़ की, जहां पर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ चीज़ों के दाम घटे हैं तो कुछ चीज़ों के दाम बहुत बढ़े भी हैं। दुकानदार बताते हैं कि गाड़ियां जाम में फंसने के कारण सब्जियों के दाम में उछाल आया है। ग्राहकों का कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ जाता है। तीसरी तस्वीर झांसी की है, यहां भी महंगाई से हाल बेहाल हुआ है। तो वहीं चौथी तस्वीर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, यहां पर महंगाई ने आम आदमी के बजट को बिगाड़ दिया है। तो ये चार तस्वीरें अलग अलग जिलों की हमने आपको दिखाई, जिससे आप ये समझ सकें कि प्रदेश में इस वक्त महंगाई किस तरह से आम आदमी की थाली से रूठ गई है, और इसकी वजह है उनका बढ़ता दाम। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अमेठी, वहां पर जनता का क्या कुछ कहना है आपको सबसे पहले दिखाते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर अब किचन का जो बजट है वो गड़बड़ हो रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जो सब्जियों के दाम हैं इस समय आसमान छू रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी के सब्जी मंडी में, और आप देख सकते हैं कि जो लहसुन है, प्याज है, और जो कद्दू है, और जो हरी सब्जी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब्जियां जो है अब इनके दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो नवरात्र से पहले जो सब्जियां के दाम जो है वो 20 रुपये 30 रुपये किलो थे, अब वहीं पर देखा जाए तो उन सब्जियों के दाम जो है 80 से 100 रुपये हैं। ऐसे में बात करें टमाटर की, तो टमाटर जो नवरात्र से पहले 40 रुपये किलो बिक रहा था, अब कहीं ना कहीं वो 80 से 100 रुपये किलो बिक रहा है। दुकानदार भैया उनसे पूछते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी है। क्या नाम है? अमित कुमार मिश्रा नाम है। कितनी महंगाई बढ़ी है? पहले से महंगाई बढ़ी हुई है। क्या आप लहसुन किस रेट में? लहसुन इस समय 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो। टमाटर? टमाटर 90 रुपये किलो है। प्याज? 60 रुपये किलो है। तो ये पहले आज के एक हफ्ता पहले नवरात्र से पहले कितना था? पहले प्याज जो है, प्याज तो वही रेट थी पहले। कद्दू 20 रुपये किलो बिक रहा था, टमाटर 40 रुपये किलो था। अब कद्दू कितने में है? कद्दू 40 रुपये किलो हो गया है। 40। हरा मिर्चा जो है 40 रुपये पाव है इस समय, पहले 20 रुपये पाव बिक रहा था। मिर्चा भी महंगा हो गया। तो महंगाई जो है इस समय आसमान छू रही है। महंगाई बढ़ी हुई है। किचन का बजट भी गड़बड़ा रहा होगा। लोगों बजट भी गड़बड़ा रहा है, हमारी बिक्री भी कम हो गई पहले से। अच्छा, पहले की अपेक्षा बिक्री भी कम? बिक्री कम हो गई है, महंगा सामान महंगा हो गया है। सामान महंगा हो गया पहले। तो ये थे दुकानदार भैया, जिनका कहना है कि महंगाई बढ़ने से
बिक्री जो है वो कम हो गई। एक चाचा भी सामान लेने आए थे, इनसे पूछते हैं चाचा क्या क्या खरीदने आए थे? कद्दू। किस भाव में मिला? 40। 40। तो अब तो सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, तो कितनी महंगाई दिख रही है इस समय आपको? दुगना। दुगना दिख रही है। तो बजट में कुछ अंतर हो रहा किचन के, कि मतलब जो काफी अंतर? अच्छा, और भी लोग हैं उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ महंगा है। चाचा क्या खरीदने आए थे? टमाटर खरीदने आए। किस रेट में मिला टमाटर? टमाटर 60 रुपए, सब 80 रुपए मिल रहा है। हम लोग परेशान हैं। परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान है। सब्जियों के बढ़ते दाम इस समय परेशानी का सबब है? बहुत ज्यादा परेशान है। तो इससे पहले जब आप खरीदते थे तो क्या रेट में मिलता था? सस्ता मिलता था जी हाँ। अब ये महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। और भी लोग है, चाचा क्या खरीदने आए हैं? बस टमाटर ले थे। किस रेट में मिला टमाटर? 60 रुपया किलो। अच्छा, 60 मिला। तो अब आपको महंगा दिख रहा है? महंगा नहीं, सस्ता है। सस्ता है तो ठीक है। एक दुकानदार भैया भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस रेट में चल रहा टमाटर? 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये नवरात्र से पहले कितना था? पहले तो 30 रुपए 35 रुपए किलो था। नवरात्र के बाद ये बढ़ गया है रेट। अब 56-55 में खरीद आ रहा है, 60 रुपए में बिक रहा है। लहसुन वगैरह किस रेट में है? लहसुन तो 400 रुपए किलो बिक रहा है। 400 रुपए। तो ये दुकानदार थे, और कुछ लोग जो सब्जी खरीदने के लिए पहुंचे थे वो थे, जिनका ये साफ कहना है कि किचन का जो बजट है अब वो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, महंगाई जो है वो अब किचन पर असर डाल रही है। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। और चलिए अब बात करेंगे आजमगढ़ की, वहां पर महंगाई को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आ चुका है आप, हम इस वक्त आजमगढ़ के मंडी में, फुटकर मंडी में खड़े हैं, और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं जो सब्जियों की खरीदते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि दाम क्या है आज इस वक्त मंडी में, और क्या खरीदने आए, क्या खरीदने आए भैया आप? अरे सब्जी, टमाटर। टमाटर कैसे किलो मिल रहे हैं? 80 रुपए के जी। 80 रुपए किलो। इसके पहले कितने के मिलते थे? 100 के मिलते थे। इसके पहले 100 रुपए मिलते थे, आज 80 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि दाम घटे हैं। हाँ, लेकिन आदत तो ये भी लग रहा है कि हाँ सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों को खरीदने में अब आदमी का घर का बैलेंस तो बिगड़ ही रहा है, इसमें कहीं कोई करने वाली बात नहीं है। जनता परेशान है महंगाई को लेकर के, इस पर कुछ सरकार को करना चाहिए ताकि प्रतिदिन ये पोषण में काम वाली आने वाली चीजें हैं, बिना इसके जनता का काम नहीं चलने वाला है। तो अगर इसमें इतनी ज़्यादा महंगाई रहेगी तो जीवन बसर करने में लोगों को समस्या आएगी, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, अनुग्रह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर कार्रवाई करते हुए इस महंगाई को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। भैया सब्जी खरीदने आए अपना, तो सब्जियों के भाव क्या है मंडी में? सामान्य से ज्यादा है इस समय, जैसे टमाटर इस समय 80 रुपए चल रहा है, लहसुन जो 80 रुपए पाव चल रहा है, घर का बजट बिगड़ जाएगा। 40-50 से नीचे नहीं है। परवल भी 80 है, परवल का रेट भी 80 रुपया है किलो। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं भाई, जो जनता को रियायत मिल सके अच्छी बात है, जो सरकार की तरफ से हो सके। सब्जी उब्जियाँ जो है, अब लहसुन का दाम, प्याज का दाम, आलू का दाम भी बढ़ गया है, तो सारी चीजें महंगी, सभी चीजें सब्जी के दाम बढ़े हुए। सब बढ़े हुए। चलिए कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? सरोज। सरोज जी सब्जी लेने आई हैं, तो क्या लगा सब्जियों के दाम में उछाल है या गिरावट है? उछाल है, गिरावट उछाल है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? चलिए लगता है ये शर्मा रही है, नहीं कहना चाह रही है। कुछ लोग और बात करते हैं, भैया सब्जी खरीदने आए क्या? हाँ, तो सब्जियों के दाम के क्या आज रेट है? तो बहुत महंगे हो गए सब सब्जी, कोई सब्जी सस्ती क्या कारण है? लोग बता रहे हैं माल नहीं आ रहा, मैंने वजह से माल गाड़ी जाम में फंसा हुआ है, ये वो कोई कह रहा बरसात की वजह से महंगाई, मतलब तरह तरह के बहाने बना के सब्जियों के दाम लोग बहाने बना रहे हैं कि महंगे बेच रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। चलिए कुछ हम मंडी के लोगों से, दुकानदारों से बात करना चाहेंगे कि क्या कारण है कि सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मौर्या जी, सब्जियों के दाम जनता का आरोप ये है कि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या कारण है?
सर जो बाहर से सब्जी आ रही है महंगा, हम लोग मिलके महंगा बेचते हैं। महंगी आने का कारण क्या है? महंगी आने का कारण क्या, महंगाई है, महंगाई की वजह से सब चीज महंगा है। दाल तेल चीनी एकदम भाई सब चीज महंगा हो रहा है, सब्जी भी महंगी है, बारिश का मौसम चल रहा है, हर जगह बाढ़ आई हुई है, नीचे खाली उसका जो नीचे का खेत था वो डूब गया है, फसल डूब गई है, इसीलिए बरसात के मौसम में सब्जी थोड़ा महंगा रहता है। आपने बताया कुछ और लोग भी हमारे दुकानदार है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, भैया लहसुन कैसे किलो है? 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो, इसके पहले कितना था? पैदावार कम होने की वजह से लहसुन की कीमत 300 रुपए किलो पहुंच गई है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगा कि सब्जियों के दाम क्या हैं इस बार। मैडम सब्जी खरीदने आई हैं आप, तो क्या सब्जियों के दाम बराबर हैं या घटे हुए हैं? तो सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार कंट्रोल करे क्योंकि बहुत जरूरी चीजें हैं, इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती है, कम से कम उसका रेट डाउन कराने के लिए कुछ प्रयास करें। हमारे साथ एक दुकानदार ये भी हैं, मैं इनसे भी जानकारी लेना चाहूंगा कि सब्जियों के भाव आज क्या हैं? अपना नाम बताइएगा। मंजू सिंह। मंजू जी, ये आज के प्याज की कीमत क्या है? 60 रुपया किलो। 60 रुपया किलो। टमाटर? 80 रुपया किलो। हरी मिर्च? 100 रुपया किलो। क्या कारण है कि सब्जियों के दाम इतने ऊंचे भाग रहे हैं? बरसात के नाते आमदनी कम। बरसात के नाते आमदनी? हाँ, कम पैदावार कम हो रही है, जिसकी वजह से जो है आसमान छू रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग दुकानदारों ने अलग अलग चीजें बताया, कहा किसी ने कहा कि पैदावार कम होने, किसी ने कहा कि बाढ़ आने की वजह से, किसी ने कहा कि यात्रा साधन न मिलने के नाते जाम में गाड़ियां फंसी हैं, जिसकी वजह से सब्जियां नहीं आ पा रही है, बस ऊंचे दामों में सब्जियां हम लोग बेच रहे हैं। अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद अब आपको लिए चलते हैं झांसी, वहां पर महंगाई को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है ये भी सुनिए। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में झांसी में भी यही हाल है। झांसी की हम मंडी पहुंचे हैं, सीपी बाजार की मंडी है, वो यहाँ पर जाने की किस तरीके से यहाँ सब्जियों के हाल है। खासतौर पर टमाटर सबसे महंगा इस समय चल रहा है मंडी में, हालांकि कुछ थोड़ी सी राहत है, लेकिन बाहर जो बात करें तो 100 के पार भी टमाटर पहुँच गया है। मंडी के कुछ लोगों से जानेंगे, क्या नाम क्या है? दयाचंद हरवान। क्या हाल है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, कौन कौन सी सब्जी महंगी है? सर जी, सब्जी जैसी मंडी में आ रही वैसी बिक रही है, 3 बल्ले टमाटर आ रहे हैं 80-60 इकट्ठे में, फुटकर 100-125। अच्छा, 100 के पार पहुंच गया है टमाटर। और बाकी सब्जियां जैसे लहसुन हुआ, ये नींबू हुआ, कितने के लेने? लहसुन 400 का है, 350 का इकट्ठे में, जो ये क्विंटल 50 किलो लेगा। और कौन कौन सी सब्जी महंगी है? धनिया मिर्ची आज महंगी है, धनिया मिर्ची, धनिया 200 रुपये किलो इकट्ठे में। इकट्ठे में धनिया 200 रुपये किलो। कुछ और लोग हैं, उनसे कहने की आप सब्जी लेने हैं जी? महंगी सब्जी दिख रही है क्या जी? क्या रेट है? 100 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, ऐसे बहुत महंगे। टमाटर के क्या हाल है? टमाटर क्या रेट है? 100 के पार पहुंच गया क्या? नहीं, 100 के पार नहीं है। कितना है? 100 है जी, 100 मिल रहा है। तो देखिए, महिलाएं हैं, वो टमाटर लेने आई हैं, आप बताइए नाम क्या है आपका? अंकुश खुराना। सब्जी के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, रोज महंगी होती है, जब भी आओ तो एक नया दाम में सुनने में देखने को मिलता है। तो कितनी परेशानी होती है इससे? अब महीने का बजट तो बिगड़ ही जाता है इससे, काफी बिगड़ जाता है। टमाटर टमाटर हुए, आलू हुए, प्याज हुए, ये तो हर सब्जी में डलना ही है, ये काफी महंगा है। क्या रेट चल रहे हैं? 80 रुपये, 100 रुपये मिल रहा टमाटर। तो टमाटर सबसे महंगा टमाटर जो है वो 100 रुपये के आसपास पहुंच गया है। कुछ लोग और हैं, मंडी जानेंगे किस तरीके से हाल है। आप बताओ नाम क्या है आपका? मोहम्मद इनायत। आप क्या सब्जी बेच रहे हैं, क्या लेने आए? सब्जी बेच रहे। क्या सब्जियां महंगी चल रही, क्या कारण है? अभी बीच में जो पानी गिर गया, इसी चक्कर में सब्जी महंगी हो चुकी है। अच्छा। और अभी फसल खराब हो गई, सीजन है नहीं है सबका, फसलें खराब हुई हैं, ये कारण बताया जा रहा है। तो कितना अंतर आया है सब्जियों में पिछले एक हफ्ते या 15 दिन पहले की बात करें, वो आज की बात करें? अब जो सब्जी दोबारा लगाई, जब सब्जी आएगी, जब सस्ती होगी,
अभी तो महंगी रहेगी अभी थोड़ा। लगभग कितने दिन तक ये महंगी चलेगी? कम से कम 15-20 दिन महंगी रहेगी। लगभग 15-20 दिन तक और ये महंगी सब्जी चलने वाली है। 400 पार जो है, 400 रुपये पार पहुंच गया है लहसुन, और जो कि सबसे महंगा है। और उसके बाद टमाटर का आता है बारी, कि टमाटर भी आसमान छू रहे हैं, क्योंकि 100 के आसपास जो है टमाटर पहुंच गया है। भाऊ जी, नाम क्या है आपका? अशोक श्रीवास्तव। अच्छा, टमाटर और खासकर और सब्जियां महंगी हैं, सब्जी कब से ये महंगी चल रही हैं? ये तो हो गया कम से कम 1-2 महीने। क्या रेट चल रहा है अब? ये आपका आलू 40 हो गया, टमाटर 80, अभी 100 बिक गया है। अब बैंगन भी आपका 30 रुपये, लौकी 30 रुपये, 40 रुपये। कितनी परेशानी आती है इन सब्जी महंगी होने से? अब बजट में थोड़ा वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, बजट बिगड़ता है। कुछ और भी हैं मंडी वाले, उनसे भी जानेंगे कि आखिर एक कुछ लोगों का कहना है कि भाई बारिश की वजह से ये सब्जियां महंगी हुई हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि ये ऊपर से ही सब्जियां जो है महंगी आ रही हैं। नाम बताइए आप। विनोद कुमार। कुमार, सब्जियां महंगी हैं, क्यों कारण है? और सब्जी भाई तो पानी भर गया इसका, इस कारण महंगी हो गई, और कोई बात नहीं है। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, खेत भाई तो हमारे इतने भरे, रोल सिटी के बीच है खेत, अभी भी पानी भरा तक था, तो सब्जी तो महंगी होगी। खाने वाले बराबर खा रहे, खेतों में सब्जी निकल नहीं रही, इसलिए महंगी हो रही, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग महंगी बेच रहे हो। तो नहीं, ऊपर से महंगी आ रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे महंगा जो है, सुनने में आया है कि ये लहसुन सबसे ज़्यादा महंगा है, और भी सब्जियाँ महंगी हैं। सब में ज़्यादा लहसुन महंगा है। टमाटर, टमाटर महंगा है, लहसुन महंगा है। लहसुन 400 रुपये किलो है, और धनिया वगैरह, धनिया तो कम है, 150-200 रुपये किलो है। प्याज महंगी है, 60 रुपये किलो प्याज, 60 रुपये किलो, और आलू 30 रुपये किलो, और जो टमाटर है वो 100 के आसपास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं इन बढ़ते दामों ने किचन का बजट बिगाड़ा है, और जो गुलजार हुआ करता था ये सब्जी मंडी जो है, वो आज देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर पूरा दिन जो सब्जी मंडी लगती थी, और इस समय खाली पड़ा हुआ है। उसका कारण है कि सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, जिसके चलते लोग कम ही सब्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जी मंडी है तो यहाँ से बड़ी तादाद में सब्जियाँ घर पर लेके जाते थे, लेकिन छोटे से जो 5 किलो ले जाना था वो 1 किलो में काम लोग चला रहे हैं अपने बजट को सुधारने के लिए। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। और झांसी के बाद अब बात करते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। वहां पर इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। त्योहारों के सीजन पर सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर होने से कहीं ना कहीं अब लोगों के बजट बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम निगोहा सब्जी मंडी में हैं, और यहाँ भी देख रहे हैं कि ये सब्जी की पूरी मार्केट है जो कि लगी हुई है। लोग सुबह सुबह ही सब्जी लेने के लिए आए हुए हैं। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं भाव जानने की, जो दुकानदार हैं उनसे सब्जियों के भाव जानने की कोशिश करते हैं। भैया थोड़ा बताइएगा आपकी क्या कुछ रेट है? टमाटर सबसे महंगा है आप? 100 रुपये किलो। हाँ, 100 रुपये किलो। और प्याज? 60 रुपये। आलू? 35। और लहसुन? 100 रुपये किलो। 600 रुपये पाव, मतलब 400 रुपये, 400 रुपये किलो। गोभी? गोभी 60 रुपये की। और ये तरोई, लौकी वगैरह? लौकी 60 रुपये किलो, तरोई 40 रुपये किलो, और परवल 25 रुपये पाव, और नींबू 40 का पाव, कुंदरू 40 रुपये किलो, सेम 40 रुपये पाव, खीरा 60 रुपये किलो, बस यही रेट है। यही रेट है। तो इसमें क्यों इतनी महंगी सब्जियां हैं? वहीं से महंगी है, वहीं से महंगी है। तो दुकानदारी पे भी असर पड़ता है? बहुत असर है, कस्टमर लेता नहीं। बिल्कुल, कस्टमर लेता नहीं है, या जो लेता है क्वांटिटी भी कम हो गई है। कुछ यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनसे ही बात करते हैं कि ऐसे में क्या कुछ इनका बजट बिगड़ा है। हम बात करते हैं सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ फैमिली के साथ आप आए हुए हैं मार्केट। इस समय जिस तरह से महंगाई चल रही सब्जियों में, ऐसे में क्या कुछ बजट बिगड़ा और कैसे आप मैनेज करते हैं? बजट तो इस समय हर एक सब्जी का रेट इतना ज़्यादा हाई है कि सब्जी लेने आओ तो पूरा बजट उसी में चरमरा आ जाता है। अगर 2 व्यक्तियों का परिवार है फिर भी 300-400 रुपये की सब्जी ले जानी पड़ती है। आलू 35 रुपये किलो है, टमाटर 100 रुपये किलो पहुंच गया है, जो जिस भी सब्जी पे हाथ रखो सब महंगाई ही है। आपकी वाइफ है साथ में? जी जी जी। बात करते हैं, गृहिणी हैं, किचन का बजट किस तरह से चरमरा गया? टमाटर की अगर बात करें तो हर चीज़ में जायके के लिए टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में 100 रुपये किलो का टमाटर हो गया है, किस तरह से आप जो स्वाद है वो स्वाद कैसे ला पाती है सब्जियों में? अब महंगाई तो है ही है, और
इतनी समय वास्तव में सब्जियों का रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है और फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है तो मैनेज तो करना ही पड़ता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में चीज़ों को। तो क्या कुछ काट रही हैं अपने बजट में और सब्जियों को लेकर के किस तरह मैनेज कर रही हैं? जहां हम 1 किलो टमाटर यूज करते थे अब हम वही 0.5 किलो टमाटर यूज करते हैं। अब भाई मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बजट जो है जितना बैलेंस है वो तो उतना ही है और खर्चे बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। अब इस तरह से अगर सब्जियों के रेट बढ़ते रहेंगे तो आगे आने वाला समय क्या कहेगा ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल, त्यौहार के सीजन पर सब्जियों की महंगाई से काफ़ी बजट लोगों का बिगड़ रहा है और भी सब्जी विक्रेता उनसे बात करते हैं। दादा ये बताइए आपकी दुकानदारी पे क्या कुछ असर पड़ा है? काफ़ी असर पड़ा है, काफ़ी। त्यौहार का सीजन है? हाँ हाँ, एकदम नॉर्मल जैसा 19-20 चलता है, क्योंकि ये सब्जी बड़ी महंगी हो गई है। क्या क्या रीज़न क्या मानते हैं सब्जियाँ क्यों महंगी? क्या कि उपभोक्ता पूर्व की ये चीज़ें हैं और बोने वाला कम है और खाने वाले लोग ज़्यादा हैं और लेबर कास्ट, इस कृषि में हम किसान भी हैं, इसका लेबर कास्ट बहुत महंगा हो गया है। बाहर से आती है? जी हाँ, बाहर से सब्जियाँ आती हैं। जनरल मतलब किसानों के यहाँ जैसे आपकी अभी प्याज बाहर से है, आलू बाहर से है, ये टमाटर बाहर से आता है, और अगर प्रेजेंट टाइम में यहाँ की बात करें तो मूली बमुश्किल मिलेगी, ये भी बाहर की है। ये लौकी तरोई भले मिल जाए और टोटल सामग्री आपका ये कदुआ भी इस समय बाहर से ही आता है, बाहर से आता है। बिल्कुल, तो देख रहे हैं यहाँ पे जी, बिल्कुल, तो यहाँ देख रहे हैं कोई भी सब्जी अब 50 रुपये से नीचे नहीं है। अगर हम टमाटर की बात करें जिसका सब्जियों में उपयोग किया जाता है, हर एक चीज़ में उपयोग होता है जिससे कहीं ना कहीं उसमें जायका आता है, ऐसे में टमाटर भी इस वक्त कहीं ना कहीं 100 रुपये किलो है, तो वहीं अगर लहसुन की बात करें तो लगभग 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से सब्जियां महंगी हुई हैं और फेस्टिवल का सीज़न है तो त्यौहार लेकर के सब्जियों ने कहीं ना कहीं जो एक रंगत है उसको फीका ज़रूर कर दिया है। अब लोग हालांकि बजट बना करके किसी तरह चल रहे हैं, जो 1 किलो लेते थे वो पाव भर ले रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का बजट जरूर बिगड़ रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और ताज नगरी आगरा की जनता इस महंगाई को लेकर, खास तौर से सब्जियों पर आई इस महंगाई की मार पर क्या कह रही है वो भी सुनिए। ताज नगरी में मानो सब्जियों की महंगाई के चलते टमाटर ने पूरे बजट का जायका खराब कर दिया। ऐसे में ताज नगरी की सब्जियों की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ तो है, लेकिन बजट के हिसाब से सब्जियां लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। टमाटर लाल हो चुका है महंगाई के तौर पर, उसकी आज जो है सुर्ख पड़ चुकी है, ऐसे में क्या सब्जियों की महंगाई है? सभी सब्जियां महंगाई हैं, खाली टमाटर ही नहीं, आलू, तोरई, घिया, कुछ भी सब्जी ले लो मंडी में आके, ऐसा लगता है कि 1500 का नोट हो तो आए, नहीं तो फिर बिल्कुल ही ना आए। 1500 का तो आए, कहीं ना कहीं देखी जाए आए कुछ अलग होती है, सब्जियों का बजट भी उसी हिसाब से बनता है, तो ऐसे में बजट क्या कह रहा है? मध्यम वर्गीय परिवार का सबको पता है, आए तो उतना ही होता है भाई, उस हिसाब से सब्जी में फिर क्या है, कुछ कटौती करनी पड़ रही है, कुछ दाल वालों का प्रयोग करना पड़ रहा है, उस हिसाब से चल रहा है। ऐसे में कई और लोग भी मौजूद हैं, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि दुकान पे आप खड़े हैं सब्जी लेने के लिए आए हैं और त्योहारों का समय है, तो ऐसे में बजट पर क्या असर आ रहा है? भैया बजट की तो ये समझ लो, बेसिकली मैं जॉब भी करता हूँ, तो आजकल स्थिति ये है कि जॉब में जितना भी सैलरी हो रही है उससे व्यवस्था नहीं बन पा रही, क्योंकि उसमें रेंट भी देना पड़ता है, सब्जियाँ भी ले रहे हो, दूध का भी रेंट होता है, खर्चा होता है, और इस समय सब्जियों की ये स्थिति है कि टमाटर आप जाओ 80 रुपये से कम नहीं मिलेगा 1 किलो, अरबी खरीद लो, भिंडी खरीद लो, सब की स्थिति ये है कि मैं अभी भी सब्जी लेके गया 200 रुपये की, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलो सब्जी आई है, 200 रुपये की 1-2 किलो सब्जी आई है। तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय होने के बाद जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या कष्ट होता है जब सब्जियां लेके घर जाते हैं, एक बजट दिखता है, कहीं ना कहीं पहले कुछ अलग था अब क्या तस्वीरें हैं? सब चीज़ है ना, एक्चुअल में क्या है उसमें बजट मैनेज नहीं हो पा रहा, बेसिकली अभी जो सब्जियाँ हैं उसकी कॉस्ट बढ़ी हुई है तो बजट में मैनेज नहीं हो पा रहा, उससे क्या बच्चों की फीस भी देना पड़ती है, पेट्रोल भी डलाना पड़ता है, कहीं ना कहीं किचन को लेकर बजट खराब है। अरे किचन से ही तो सब चीज़ें, किचन से बजट का ऐसा होता है कि उससे सब बजट घर का बनता है, सामान का, राशन का, अपने पास घर का सब्जी का बजट खराब है तो उससे सभी चीज़ का बजट खराब। स्थिति ये है कि आजकल बहुत चीज़ों पर कटौती करनी पड़ रही है, कटौती करनी पड़े। एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब्जियों की आखिरकार क्या महंगाई, कौन सी सब्जी किस भाव में बिक रही है, ऐसे में दुकानदार से बात करेंगे। थोड़ा भैया आप आगे आ जाइए। टमाटर किस भाव चल रहा है? टमाटर 80 रुपये बोलो बिचरा भैया। अच्छा, किस तरह की महंगाई दिख रही है? महंगाई तो है पर इन दिनों में 20 रुपये किलो था, 80 रुपये किलो है। अच्छा, हरी मिर्च और तमाम और सब्जियां क्या क्या भाव में चल रही है? हरी मिर्च बिच रही है इस समय 100 रुपये किलो।
आलू आलू बिचरा 40 रुपए किलो। अदरक भी सीजन के हिसाब से स्टार्ट हो चुका है। हाँ बिल्कुल, यहाँ अदरक महंगाई है। कितना कितने में चल रहा है? पर 40 रुपए किलो था, अब इस समय 120 रुपए किलो है। तो ऐसी कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी है जो सबसे ज्यादा महंगी है? वो आलू है, टमाटर है, प्याज है, मिर्ची है, जो सबसे ज्यादा बिकती है। कहीं ना कहीं लग रहा है महंगाई ने जायका खराब कर दिया है। वो तो है, दुकानदारी ऑटोमेटिक कम है, महंगाई है समय। जो 2.5 किलो खरीदता था वो 250 ग्राम खरीद रहा है, 0.5 किलो खरीद रहा है। दुकानदारी पे क्या फर्क पकड़ा है? दुकानदारी पे आधे आधे का फर्क पड़ गया है, आधे आधे का फर्क। ये हमारे साथ वो दुकानदार हैं जो कि लगातार सब्जियों की क्रय विक्रय कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि महंगाई ने बजट तो खराब कर दिया है, टमाटर लाल अब और लाल हो गया है महंगाई के तौर पर, बैगन महंगा है, तमाम और हरी सब्जियां महंगी हैं, क्योंकि सीजनेबल सब्जियां भी शुरुआत हो चुकी है। अदरक जो है ऊंचाई मार रहा है, 120 रुपए किलो चल रहा है, और कहीं ना कहीं परिवारों में जो है संघर्ष की कहानी बजट को लेकर